पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में 23 साल के आरोपी ने छठी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 23 वर्षीय दीपक के तौर पर हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना में दर्ज छेड़छाड़ और पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में आरोप में पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया था। दीपक को कोर्ट में पेश करने के लिए न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस की टीम दीपक को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंची। कोर्ट की छठी मंजिल कोर्ट रूम के बाहर दीपक अपने वकील से बात कर रहा था। इसी दौरान वह तेजी से खिड़की से छलांग लगा ली। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल दीपक को पास के हेडगेवर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अस्पताल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और संबंधित धाराओं में फर्श बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।